नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारी स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा, विधानसभा संख्या 3 उदयपुर वाटी के इतिहास, आगामी दावेदार और जातीय समीकरण के बारे में। उदयपुर वाटी विधानसभा जो पहले झुंझुनू जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन नए जिले बनने के कारण अब उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। उदयपुर वाटी विधानसभा का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 2008 में हुआ। यह विधानसभा सीट 2 नगर पालिका उदयपुर वाटी, गुड़ा गोड जी और 1 पंचायत समिति उदयपुर वाटी से मिलकर बनी हुई है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,38,000 मतदाता हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा सीट के जातीय आंकड़ों के अनुसार माली, जाट, मेघवाल व राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। माली यहां 45,000, जाट 40,000, मेघवाल प्लस SC ST 40,000, राजपूत 30,000, रावणा राजपूत 15,000 मतदाता है जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। गुज्जर 30,000, मुस्लिम 15,000, ब्राह्मण, बनिया, कुमावत, खाती 8,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में 2008 से लेकर 2018 तक कुल 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें बसपा ने 2 बार और भाजपा ने 1 बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। 2008 में उदयपुर वाटी विधानसभा में पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में राजेंद्र गुड्डा को कुल 28,478 वोट मिले। दूसरी ओर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को कुल 20,641 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार को 17,521 वोट मिले और बीजेपी से कद्दावर नेता मदनलाल सैनी को 10,388 वोट मिले और इस प्रकार राजेंद्र गुड्डा को इस चुनाव में 7,837 वोट से विजय प्राप्त हुई। अगला चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी से शुभकरण चौधरी को टिकट मिली और शुभकरण चौधरी को कुल 57,960 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र गुड्डा को कुल 46,089 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार को 32,546 वोट मिले और इस प्रकार इस चुनाव में शुभकरण चौधरी ने 11,871 वोट से जीत प्राप्त की। अगला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 में राजेंद्र गुड्डा को बसपा से टिकट मिली, बीजेपी से शुभकरण चौधरी को और कांग्रेस से भगवाना राम सैनी को टिकट मिली। इस चुनाव में राजेंद्र गुड्डा को कुल 59,362 वोट मिले, शुभकरण चौधरी को 53,828 वोट मिले और भगवाना राम सैनी को 52,633 वोट मिले। इस प्रकार राजेंद्र गुड्डा ने 5,537 वोट से इस चुनाव में जीत हासिल की। 2023 के लिए विधानसभा चुनाव में उदयपुर वाटी से संभावित चेहरा पूर्व मंत्री और सैनिक कल्याण विभाग दबंग छवि विभाग नेता, 2 बार बसपा से विधायक चुने गए क्षेत्र के सर्वमान्य नेता राजेंद्र गुड़ा, बीजेपी से संभावित चेहरे शुभकरण चौधरी जो कि पूर्व भाजपा विधायक उदयपुर वाटी और भाजपा कार्यकारिणी सदस्य, दूसरे संभावित चेहरे चेयरमैन नगर पालिका उदयपुर वाटी और पूर्व में उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा रामनिवास सैनी, एक और संभावित चेहरे प्रदेशाध्यक्ष यूथ कांग्रेस राजस्थान सनिंदर मूड, यूथ कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष झुंझुनू, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा भी इस सीट से संभावित उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी और कद्दावर माली नेता भगवाना राम सैनी भी यहाँ से संभावित चेहरे हैं। नमस्कार, भाजपा जिलाध्यक्ष झुंझुनू स्थानीय भाजपा माली नेता पवन मावंडिया, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष झुंझुनू और भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, RLP प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यूथ कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास गिल भी इस सीट से संभावित चेहरे हैं। दोस्तों, आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और संभावित चेहरों के बारे में हमने बात की है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि इस सीट से 2023 का चुनाव कौन सा नेता जीत सकता है। और आगे भी हम अपनी सीरीज को जारी रखेंगे और आगे आने वाली सीरीज में हम बात करेंगे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। और जिस किसी भी साथी ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।